हेलो गाइज, आई एम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली अकेडमी में। सो गाइज, हाल आप देख सकते हो, अभी चल रहा है कंटिन्यू सबका वर्क। तो आज आपको करने वाले हैं हम लोग एक डिफरेंट तरीके से जेल नेल एक्सटेंशन, बट यहाँ पर आपको स्ट्रेंथनिंग पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमारी जो टेक्निक रहेगी थोड़ी डिफरेंट रहेगी, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो लेट्स सी, पहले दिखाती हूँ मैं आपको, हमारी क्लाइंट आ चुकी है, एक्चुअली शी इज़ माई स्टूडेंट ऑल्सो। तो इनका जो है हम नेल्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको नेल्स दिखाते हैं। सो पहले गाइज हम जो है इनके नेल्स रिमूव कर रहे हैं, और आप देख सकते हो इन्होंने ना नेल्स अपने खुद ही किए थे। हाँ, खुद ही किए थे। तो रिफिल कितनी अच्छी आई हुई है। पहले हम नेल को रिमूव करेंगे और ड्रिल के साथ रिमूव कर रहे हैं, इस तरीके से आपको दिखाते हैं पहले रिमूवल कैसे होता है, फिर इसके बाद इनकी जो है फ्रेश नेल की टिप्स लगाएंगे और उसके ऊपर एक नया नेल आर्ट करेंगे। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं जो ड्रिल है हमारी काफ़ी ज़्यादा फास्ट मोड पे वर्क करती है और बहुत इजी हो जाता है, हमारा टाइमिंग भी बहुत कम लगता है इसमें, और रिमूवल भी इतनी इजीली हो जाता है कि नेचुरल हील भी बिल्कुल भी वीक नहीं होता है। और बाकी जो ड्रिल के बाद जो प्रोडक्ट रह जाता है इसे हम जो है आराम से बफिंग करके एक्स्ट्रा को एमडी पोर्ट के साथ में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसके बाद जो नेचुरल नेल है ग्रो हो रखा है उस नेचुरल नेल को कट कर देंगे हमारे नेल कटर की हेल्प से ड्रिल करने के बाद, और इसके बाद जो है हम फाइलर से इसे नीट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बचा हुआ है उसे भी हम रिमूव कर देंगे फाइलर के साथ ही। तो सिर्फ इस दो स्टेप्स में हमारा जो है नेचुरल नेल का जो एक्सटेंशन का प्रोडक्ट होता है और जो जेलिंग होती है वो रिमूव हो जाती है और नेल हमारे रेडी हो गए हैं। अब एक्सटेंशंस के लिए तो टिप हमने ऑलरेडी निकाल के रख ली हैं, तो जो जो नेल है उस हिसाब से हमने टिप के साइजेस निकालने हैं। अब मैं क्यूटिकल एरिया को पुश कर रही हूँ पुशर की हेल्प से, और पुश करने के बाद जो मैंने इस फिंगर के साइज़ निकाल के रखे हैं इसे पहले हम स्माइल लाइन को नीट कर लेंगे फ्री एज एरिया को, और इसके बाद पूरे नेल को ब्लॉब ऑफ करेंगे इस तरीके से ब्लॉब ऑफर की हेल्प से। तो मेक श्योर कि मैंने रिमूवल करते हुए थोड़ा सा प्रोडक्ट छोड़ा था, आप भी हमेशा ऐसे ज़रूर छोड़ना ताकि जब हम इस तरीके से ब्लॉब ऑफ करें तो उस ब्लॉब ऑफ में हमारा जो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा वो निकल जाए, ना कि हमारा नेचुरल नेल वीक हो। तो एक्स्ट्रा डस्ट को क्लीन करने के बाद हमने जो टिप सेलेक्ट करी हुई है उस टिप को हम अप्लाई करेंगे, हमारी ग्लू लगाएंगे। यहाँ पर ग्लू यूज़ कर रही हूँ मैं पॉलीफिक्स की, और इस ग्लू को अप्लाई करने के बाद जो लॉकिंग एरिया पर इसे अप्लाई कर देंगे। इसे अप्लाई करने के बाद जो हमारा नेचुरल नेल है उसके ऊपर हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो सभी नेल्स के ऊपर इसी तरीके से टिप अप्लाई करने के बाद हम कट कर रही हूँ मैं टिप क्लिपर की हेल्प से। तो इसके तरीके से हम जो है इसकी लेंथ को कट कर देंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंथ कट करी है, और अब मैं कर रही हूँ इस टिप को ब्लेंड हमारे नेचुरल नेल में ही, इसे ब्लेंडिंग करके मर्ज कर देंगे, साइड्स नीट कर लेंगे अच्छे से, और हमारी जो शेप बनानी है जैसे कि मुझे आज ज़्यादा ब्रॉड कॉफिन नहीं बनानी है, नैरो कॉफिन शेप बनानी है, तो हम एमरी बोर्ड की हेल्प से ही इसी तरीके से हमारी शेप क्रिएट कर लेंगे जिसे कि हम बैलेरीना शेप भी बोलते हैं। तो इसकी जो लुक रहेगी थोड़ी सी शार्प रहेगी, मींस ऊपर से थोड़ा नैरो कर देंगे हम, पतला कर देंगे ताकि हमें ब्रॉड बिकॉज लुक नहीं चाहिए, इसलिए मेक श्योर ऊपर से भी हमें नीट करना है ताकि जिसकी शेप हो वह एकदम नीट आ जाए। तो दोनों तरफ से फाइलर आपने इक्वली चलाना है, आपको एक परफेक्ट शेप जब तक ना मिले तब तक आप इसे फाइल से अपना वर्क करते रहें। तो ब्लेंडिंग लाइन हो चुकी है, हमारी शेप रेडी हो चुकी है, और अब जो है बारी है हमारे प्रोडक्ट एप्लीकेशन की। बट प्रोडक्ट एप्लीकेशन से पहले जो है हम पूरे के पूरे नेल को अच्छे से ब्लॉब ऑफ करेंगे हमारे ब्लॉब ऑफर की हेल्प से। तो नेचुरल नेल और प्लस हमारा जो टिप का एरिया है इसे अच्छे से हमने ब्लॉब ऑफ करके ड्राई कर लेना है, बिल्कुल भी इसमें शाइनिंग नहीं छोड़नी है। सो गाइस, सभी नेल्स हमारे जो हैं ड्राई हो चुके हैं, और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ एमी जेल का प्राइमर। तो ये जो प्राइमर है हम बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नेल के ऊपर ही अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लगाना है, बहुत लाइट क्वांटिटी में ही अप्लाई करना है। प्राइमर लगाने के बाद जो है यहाँ पर मैं बेस कोट यूज़ कर रही हूँ, तो ये बेस कोट हम अप्लाई करेंगे, ये जेल बेस्ड रहती है, बिल्कुल पतली पतली कोट करके पूरे नेल के ऊपर अप्लाई करेंगे इंक्लूडिंग सभी नेल्स। तो सभी नेल्स पे हमने एक साथ ही अप्लाई कर देना है और इसे क्योर करवा देना है यूवी एलईडी में 90 सेकंड्स के लिए। सो बेस कोट को क्योर कराने के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ एमी जेल की हार्ड जेल। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड जेल है, और यहाँ पर हम थोड़ा थिक करके जेल अप्लाई करेंगे, पूरे के पूरे नेल के ऊपर इक्वली अप्लाई कर देंगे ताकि हमारे नेल में
जो है थोड़ी सी थिकनेस आ सके। और इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आपका बेस कोट एंड बिल्डर ही बहुत अच्छे से आपके नेल की स्ट्रेंथ को बना देता है। सो मेक श्योर इस तरीके से पूरे के पूरे नेल के ऊपर आप बिल्डर जेल अप्लाई करेंगे सभी नेल्स पर एक साथ, इसे भी हम क्योर करा देंगे। और अब मैं कर रही हूँ जेल वाइप, तो एसीटोन फ्री की हेल्प से हम सभी के सभी नेल की जो स्टिकीनेस है जेल की वो ख़त्म करेंगे। हमारी लिंट की हेल्प से और एसीटोन फ्री की हेल्प से पूरे के पूरे नेल को जेल वाइप कर लेंगे। सो जेल वाइप करने के बाद गाइज अब बारी है बफिंग की, तो यहाँ पर हम एमरी बोर्ड का यूज़ करेंगे। तो जितने भी कहीं से भी हमारा जो जेल है अनइवन आया है, जिसने भी डंट्स एंड बम्स क्रिएट हुए हैं, तो पूरे के पूरे नेल को हम इक्वल कर देंगे, इसका बेस जो है स्मूथ कर देंगे ताकि इसका जो है एपेक्स क्रिएट हो सके, साइड्स नीट कर लेंगे, क्यूटिकल एरिया को नीट करेंगे और एक बार यहाँ पर हम शेप को भी क्लियर कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारा एमरी बोर्ड का काम ख़त्म हो चुका है और अब मैं कर रही हूँ सभी नेल्स को एक साथ ब्लॉब ऑफर की हेल्प से ब्लॉब ऑफ। तो अच्छे से हम जो है इसे ब्लॉब ऑफ कर लेंगे ताकि छोटे से छोटे अगर स्क्रैचेस भी आए हैं या फिर छोटे से छोटे डंट्स एंड बम्स भी रह गए हैं तो वो बिल्कुल के बिल्कुल रिमूव हो जाएं और हमें नेल का जो सरफेस है एकदम स्मूथ दिखे। और अब मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर जेल कलर की एप्लीकेशन। तो ये मेरे ब्रश आर्ट की हेल्प से जो है, बिकॉज मेरा जो वर्क है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो यहाँ पर ब्रश आर्ट की हेल्प से मैंने एक आउटलाइन दे दी है। और इसके बाद जो है आउटलाइन देने के बाद मैं इसे सेम इसी कलर के साथ जो है फिल करूँगी। तो जैसे कि हमारी पिंकी फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब पे हमने इस तरीके से प्लेन कलर अप्लाई करना है, तो हमारी जेल पॉलिश का बिल्कुल पतला पतला कोट करके अप्लाई कर देंगे इन तीनों नेल्स के ऊपर। और बाकी जो दो नेल हैं जिनके ऊपर मैंने आउटलाइन करी है, वहाँ पर हम नेल बेड एरिया के ऊपर इस तरीके से बिल्कुल पतली पतली करके कोट अप्लाई कर देंगे और इसे दोनों नेल्स पर इक्वली अप्लाई करें। मेक श्योर गाइस बिल्कुल भी थिक करके अप्लाई मत करना और इसे हम क्योर करा देंगे। तो गाइज़ फर्स्ट कोट हमारी क्योर हो चुकी है और अब अप्लाई कर रही हूँ मैं सेकेंड कोट। तो सेम इसी तरीके से ही, जिस तरीके से हमने जहाँ जहाँ पर फर्स्ट कोट दिया था जेल पॉलिश का, सेम उसी तरीके से बिल्कुल पतली पतली कोट करके हम यहाँ पर सेकेंड कोट अप्लाई कर देंगे हमारी जेल पॉलिश के कलर की। सो गाइज सेकेंड कोट को क्योर कराने के बाद अब बारी है ब्रश आर्ट की। तो यहाँ पर मैं वाइट कलर की जेल पॉलिश के साथ इस तरीके से ब्रश आर्ट करूँगी, जिसमें कि मैं वेव्स क्रिएट करूँगी। बट ये वेव्स क्रिएट करके ही हमारा काम ख़त्म नहीं होगा, यहाँ पर मुझे जो है बीच में शेडिंग भी देनी है वाइट की, बिकॉज इसके बाद जो मैं प्रोडक्ट नया यूज़ करने वाली हूँ मुझे उसमें बैक साइड में रिफ्लेक्शन चाहिए हमारे वाइट का भी और नेचुरल कलर का भी। तो इस तरीके से दैट्स वाई मैं इसमें शेडिंग दे रही हूँ। और जेल पॉलिश के साथ जो है यहाँ पर मैं इतना एरिया जो है कवर अप करूँगी जिससे कि इसकी जो शार्पनेस लुक है हमारी लाइन की वो अच्छे से आ सके। और ये बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा करके भी थिक करके प्रोडक्ट नहीं लगाना है, पता लगे वो पूरी की पूरी लाइन जो है फैल गई है। तो मेक श्योर एक शार्प लुक इतनी देनी है जिससे कि हमारी 100% कवरेज भी हो जाए और जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो फैल कर इधर उधर बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो जाए। तो इस तरीके से शार्प लाइनिंग देके बीच बीच में मैंने सेम इसी कलर के साथ ही, आप देख सकते हैं, ब्रश के साथ ही शेडिंग दे दी है। एंड जो मिडिल वाली फिंगर है यहाँ पर हम थोड़ा सा जो डिज़ाइन है वो थोड़ा डिफरेंट करके बनाएंगे, बिकॉज़ हमने यहाँ पर जो है पूरे के पूरे नेल के ऊपर जो कलर दिया है वो पिंक दिया है बेस में, तो यहाँ पर हमें कवरेज के लिए भी पूरे नेल को ही कवर करना है। सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने आउटलाइन देने के साथ साथ ही मैं शेडिंग भी दे रही हूँ ताकि मेरा जो वाइट का रिफ्लेक्शन है जब मुझे इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग वर्क करना है वो और अच्छे से जो इसमें शेडिंग का रिफ्लेक्शन है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो मेक श्योर कि इस तरीके से अगर आपके पास कोई और ब्रश भी है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप स्पॉन्ज के साथ भी करना चाहें तो उसके साथ भी कर सकते हैं। सो गाइज हमारा ब्रश आर्ट का वर्क जो है वो क्योर हो चुका है और अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ यूवी टॉप कोट। तो यहाँ पर मैं हाई शाइन यूवी टॉप कोट अप्लाई कर रही हूँ, पूरे नेल के ऊपर इक्वली अप्लाई कर देंगे, बहुत ज़्यादा पतली करके भी नहीं लगाएंगे और मेक श्योर बहुत ज़्यादा थिक करके भी नहीं कि वो प्रोडक्ट जो है लिफ्ट होकर साइड्स में या फिर क्यूटिकल एरिया में ही चले जाए। सो इसे भी सभी नेल्स पर एक साथ अप्लाई करके हम क्योर करवा देंगे। सो यूवी टॉप कोट भी हमारी क्योर हो चुका है और मैं सभी नेल्स को जो है सॉफ्ट ब्लॉब ऑफर की हेल्प से इस तरीके से ब्लॉब ऑफ कर लूँगी ताकि हमारी जो यूवी टॉप कोट की शाइन सिर्फ
रिमूव हो, ना कि हमारा जो प्रोडक्ट है नीचे का वाइट हमारा जेल ब्रश आर्ट का और पिंक कलर वो रिमूव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए मैं सॉफ्ट ब्लॉबफर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि पूरा के पूरा नेल का जो यूवी टॉप कट है सिर्फ उसकी अपर लेयर ही ड्राई हो जाए। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा पूरा के पूरा नेल जो है अच्छे से ड्राई हो चुका है और अब यहाँ पर मैं ब्लैक कलर की जेल पॉलिश ले रही हूँ। ब्लैक कलर की जेल पॉलिश के साथ जो है मैं अपनी ब्रश आर्ट करूँगी, तो जहाँ जहाँ पर मैंने वाइट वेव दी थी वहाँ वहाँ पर मैं अपनी ब्लैक जेल पॉलिश के साथ में और हमारे ब्रश आर्ट की हेल्प से इस तरीके से पतली पतली बिल्कुल लाइन दूँगी ताकि जो इसकी आउटलाइन है वो मुझे और इन्हेंस करनी है। और बिल्कुल पतली पतली करके ही अप्लाई करें, मेक श्योर आपका प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा थिक करके अप्लाई नहीं करना है ताकि हमारा ये जो प्रोडक्ट है कहीं क्योर करते टाइम फैल ना जाए। तो मेक श्योर बिल्कुल पतली पतली कोट करके ही अप्लाई करनी है। और इसे क्योर कराने के बाद गाइज यहाँ पर मैं कर रही हूँ क्रोम एप्लीकेशन, तो आप देख सकते हैं क्रोम करने के बाद कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है और इसका जो रिफ्लेक्शन है एकदम से एनहांस होके आ गया है। और क्रोम एप्लीकेशन करने के बाद एक्स्ट्रा डस्ट को हम क्लीन कर लेंगे और क्लीन करने के बाद यहाँ पर जो है मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, सो ब्रोकेट जेल है ये हमारा। ब्रोकेट ग्लिटर जेल की वजह से जो इसकी जो लुक है अभी आप देखिए कितनी अच्छे से एनहांस होकर आएगी, ऐसे लगेगा कि जैसे कि स्प्रिंकल करा हुआ ग्लिटर डाला है, लेकिन ये बहुत स्मूथ इफेक्ट में रहता है और बिल्कुल पतली पतली कोट करने अप्लाई करने के बाद जो इसका लुक है वो 3D इफेक्ट में आ जाता है। सो इस तरीके से जहाँ जहाँ पर मेरा वाइट था उसमें मुझे इसमें आप देख सकते हैं शेडिंग की लुक भी आ रही है और हमारा पूरे के पूरा नेल भी ये कवर अप कर रहा है। सो इसे अब हम क्योर करा देंगे। सो क्योर कराने के बाद गाइस बारी है अब नेक्स्ट नेल की। तो हम यहाँ पर जो मिडल नेल है उसका जो कंसेप्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और ज़्यादा बारीक जो है अपना ब्लैक जेल पॉलिश के साथ में आर्ट करेंगे, ब्रश आर्ट करेंगे। पहले आउटलाइन दे देंगे हम पूरे के पूरे वर्क की और पूरे के पूरे नेल के ऊपर इस तरीके से आउटलाइन देने के बाद मेक श्योर कि आपका कहीं पर भी इधर उधर ना जाए और वाइट वाली जो लाइन है एग्जैक्ट उसी के ऊपर आए, जिससे कि आपका जो नेल है वो ऐसे नहीं लगेगा कि आपने कुछ ओवरराइड किया है या अलग से वाइट एंड ब्लैक नज़र नहीं आएगा। तो मेक श्योर इस तरीके से आपने आउटलाइन करके पूरे के पूरे नेल के ऊपर इसे भी क्योर करा देना है। तो ब्लैक कलर की जेल पॉलिश के साथ जो आर्ट है उसके ऊपर अगेन हम यहाँ पर क्रोम कर रहे हैं और आप क्रोम करने के बाद देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। और बिकॉज हमने नेचुरल नेल का जो सरफेस है पूरे नेल का वो ड्राई किया हुआ है, तो उससे हमारा क्रोम का जो रिफ्लेक्शन है सिर्फ टारगेट एरिया पर ही आ रहा है। तो मेक श्योर पूरे के पूरे नेल को ड्राई करने का एक यही रीज़न था क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ लाइनिंग के ऊपर ही क्रोम चाहिए था। और अगेन यहाँ पर हम ब्रोकेट अप्लाई करेंगे, ब्रोकेट ग्लिटर जेल है ये, पूरे के पूरे नेल के ऊपर जो हमारी वाइट एरिया जहाँ पर हमने शेडिंग दी है सिर्फ वहीं वहीं पर ही इसे हम अप्लाई करेंगे। ज़्यादा थिक देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज पतली पतली कोटिंग में ही आपका इसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है अच्छा सा, तो पतली पतली कोट देके ही अप्लाई कर देंगे और इसे भी हम क्योर करा देंगे। सो गाइस, इसे भी क्योर कराने के बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ यूवी टॉप कोट। तो यूवी टॉप कोट के साथ जो है यहाँ पर हम राइनस्टोन की प्लेसमेंट भी करेंगे, तो ये हमारा राइनस्टोन को चिपकाने का काम भी करेगा एंड साथ साथ पूरे के पूरे नेल को कंप्लीट करने का भी वर्क करेगा। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ पर भी हमने राइनस्टोन प्लेस करना है राइनस्टोन प्लेस करके इकट्ठा ही पूरे के पूरे सभी नेल्स को एक साथ क्योर करा देंगे। सो यूवी टॉप कोट अप्लाई करके क्योर कराने के बाद गाइस अब मैं सभी नेल्स को करूँगी एक बार अच्छे से जेल वाइप। तो जेल वाइप करने का रीज़न ये है कि अगर कहीं से भी कोई क्रोम हट रहा है या फिर हमारी यूवी टॉप कोट अच्छे से क्योर नहीं होती तो हमें पता लग जाता है। और लास्ट में इस तरीके से हम एमरी बोर्ड की हेल्प से नीट ज़रूर करेंगे ताकि नीचे कोई शार्प एरिया ना रह जाए नेल के, जिससे कि वो जो नेल है वो शार्पनेस की वजह से किसी को लगे नहीं। सो ये है फाइनल लुक। आई एम श्योर गाइज आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप न्यू व्यूवर हैं हमारे चैनल में, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हमारी नेक्स्ट बाकी सभी वीडियोज़ के और लाइव आने के नोटिफिकेशन
आपके पास आते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बींग विद अस, एंड प्लीज़ प्लीज़ जिसने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के लास्ट में मैं इंस्टाग्राम का आईडी भी शेयर कर रही हूँ, तो आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।